स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में सत्ता पर काबिज होने के बाद से लगातार भगवंत मान सरकार सवालों के घेरे में है। आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। किसानों की नाराजगी का सामना आम आदमी पार्टी को पंजाब में करना पड़ रहा है और अब आपको बता दें, मूंग की फसल की खरीद नहीं होने पर किसानों की नाराजगी देखने को मिली है। सुनाम से आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा के आवास के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। किसान मूंग की फसल से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर विधायक के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। राज्य सरकार के खिलाफ लगातार उनकी नारेबाजी देखने को मिली। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने दरअसल सरकार बनने के 2 महीने के बाद ये दावा किया कि पंजाब में मूंग की बढ़ी हुई खेती का जो श्रेय है वो भगवंत मान सरकार को जाता है, लेकिन अब किसानों को मूंग का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है, भी पीआर और क्रेडिट चोरी, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं है। इस तरीके से लोग अब इस खबर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा की ओर से पंजाब में भगवंत मान सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही 14 मई को राघव चड्ढा ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पंजाब में मूंग की बुआई में 77% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भगवंत मान सरकार की सराहना करते हुए ट्वीट किया कि पंजाब के किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपील की खूब सराहना की है, इसलिए मूंग की खेती में 77% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वास है कि हम पंजाब की कृषि को बदलने में सक्षम होंगे। जिस तरह से हमने दिल्ली में विश्व स्तर पर प्रशंसित शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल मॉडल तैयार किए हैं, आपको बता दें कि हाल ही में भगवंत मान सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए मूंग की फसल पर MSP का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद आपको बता दें उनसे मूंग की फसल ही नहीं खरीदी जा रही है। यानी किसानों का गुस्सा और नाराजगी इसी बात को लेकर है कि दरअसल उनकी जो फसल है वो अब सरकार नहीं खरीद रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि उनकी मूंग की फसल नहीं खरीद रही है सरकार, जबकि अधिकारियों का ये दावा है कि वो खराब गुणवत्ता वाली फसल ही सिर्फ उनसे नहीं खरीदी जा रही है। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सुनाम से अमन अरोड़ा, उनके घर के बाहर ये धरना प्रदर्शन किसानों ने किया है, और उसमें से एक प्रदर्शनकारी किसान ने ये कहा कि पंजाब सरकार ने मूंग की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 7,275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की है, और ये दावा करते हुए कि पहली बार है कि फसल MSP पर खरीदी जा रही है। साथ ही एक दूसरे प्रदर्शनकारी जसवंत सिंह ने ये कहा है कि मैं पिछले 15 दिनों से फसल बेचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई भी फसल नहीं खरीद रहा है, यहां तक कि 5,000 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर भी नहीं। यानी इस तरह से वादा किया गया किसानों से कि वहां मूंग की फसल जो है उनसे खरीदी जाएगी, MSP पर खरीदी जाएगी, लेकिन अब किसान इस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार उनसे जो वादा किया था वो दरअसल वादा पूरा करे, फसलों को खरीदा जाए। वहीं तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार ने मूंग की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP देने की घोषणा की है, लेकिन अब ये हमारे लिए मजाक जैसा लगता है। यानी भगवंत मान सरकार ने किसानों के साथ मजाक किया है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो संगरूर के जिला मंडी अधिकारी DFO जसपाल सिंह घूमर ने हालांकि इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार उस फसल की खरीद कर रही है जो फसल की गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा करती है। घटिया क्वालिटी की मूंग ही नहीं खरीदी जा रही है, मूंग की खरीद के लिए लगभग 12% नमी अनिवार्य विनिर्देशों में से एक है। हालांकि अनाज मंडियों में पहुंच रहे मूंग में नमी काफी कम पाई गई है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं छूट भी तमाम तरीके से परोसा जा रहा है, और अगर इस तरह से निर्देश दिए गए थे तो जाहिर तौर पर
तमाम तरह की जो मूंग की क्वालिटी है उसको लेकर भी निर्देश जरूर दिए जाने थे, लेकिन सरकार की इस घोषणा के बाद भी अब किसान जो है वो दरदर की ठोकरें खा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो भगवंत मान सरकार से खासा नाराज है। वहीं आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन सरकार के खोखले दाखों को उजागर करता है। ये श्रोमणी अकाली दल की ओर से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो गृह जिला है संगरूर, वहां किसानों के धरने ने MSP पर मूंग की खरीद के बारे में आम आदमी पार्टी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की मंडियों में 1503 क्विंटल मूंग की फसल आ चुकी है और अब तक 883 क्विंटल ही सिर्फ खरीदी गई है। ये जो है सरकारी आंकड़ा है जो सामने आया है। तो इस तरह से लगातार जो तमाम विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि खोखले दावे हैं और किसानों को लेकर तमाम खोखले दावे ही सरकार की ओर से किए गए हैं। जहां एक तरफ सरकार बनने के महज 2 महीने के भीतर किस तरह से राघव चड्ढा की ओर से एक ट्वीट किया जाता है जहां वो पूरा क्रेडिट मूंग की फसल जिस वृद्धि के साथ उगाई गई है उसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या अभी भी राघव चड्ढा ये ट्वीट करेंगे कि आखिर सरकार फसल क्यों नहीं खरीद रही है, आखिर भगवंत मान सरकार ने किसानों से जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। और बीते दिनों भी हमें किसानों की नाराजगी देखने को मिली है, धान की रोपाई और साथ ही मूंग दाल की जो फसल है उसको लेकर किसानों का गुस्सा और नाराजगी देखने को मिली। आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया था, लेकिन एक बार फिर से पंजाब में वही तस्वीर देखने को मिल रही है जहां किसान भगवंत मान सरकार से काफी नाराज हैं। जहां एक तरफ किसानों की नाराजगी का सामना भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि TV9 भारत वर्ष पर एक डिबेट के दौरान दरअसल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा और साथ ही बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य के बीच काफी गर्मा गर्मी वाली जो डिबेट है वो देखने को मिली। आपको ये बता दें कि वहां दरअसल तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेपी के नेता है उनकी तरफ से पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। उन्होंने ये कहा कि 5 साल बाद जब बीजेपी पंजाब में सरकार बनाएगी तो वो यूपी और गुजरात की तरह कानून व्यवस्था को पंजाब में बहाल करेगी। लेकिन इस पर राघव चड्ढा ने कहा कि हम पंजाब में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं देना चाहते हैं। तो इस पर तेजस्वी ने पलटवार किया और कहा कि दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि योगी कहां और भगवंत मान कहां। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी पर तंज भी कसा गया है। तो पंजाब लगातार सवालों में है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ओर से तमाम वादे पंजाब की जनता से किए गए, लेकिन जब वादों को पूरा करने का वक्त आया तो किस तरह से पंजाब बदहाली का सामना कर रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार जिसे 10 दिन के भीतर खत्म किया गया है ये दावा गुजरात में पहुंचकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक खुद आम आदमी पार्टी में ही जो नेता हैं मंत्री हैं दरअसल उनके उनकी पोल खुल रही है कि किस तरीके से वो भ्रष्टाचार उनका उजागर हो रहा है। तो इस तरह से लगातार पंजाब में आम आदमी पार्टी घिरी हुई है और अब सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा हैं जो लगातार पंजाब में तमाम चीज़ों का क्रेडिट ले रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार खत्म करने का क्रेडिट ले रहा है तो कोई मूंग की फसल की वृद्धि का क्रेडिट ले रहा है, लेकिन असल सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, ये तब सामने आता है जब किसानों के गुस्सा और नाराजगी देखने को मिलती है, जब कानून व्यवस्था पर लोग सवाल उठाते हैं, जब सिद्धू मूसेवाला जैसे जो प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर हैं उनकी हत्या सरेआम की जाती है। तो इस तरह से लगातार पंजाब की कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है और हम लगातार देख रहे हैं कि पंजाब में जो आम जनता से आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे उन्हें पूरा करने के बजाय किस तरह से तमाम बहानेबाज लगातार पंजाब में भगवंत मान सरकार कर रही है और केंद्र के सामने हाथ फैला रही है कि उन्हें
म्यूनिसिपल फंड दिया जाए, तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम आम आदमी पार्टी की ओर से, भगवंत मान सरकार की ओर से पंजाब में किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।